सोलन के भगाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक निदेशक मंडल की बैठक में पवन गुप्ता को सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया है। इसी तरह धर्मेंद्र ठाकुर को सर्वसम्मति से बैंक का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। निदेशक मंडल की बैठक में निवर्तमान चेयरमैन अरुण शर्मा के इस्तीफे के बाद नए चेयरमैन का चुनाव किया गया। इसमें पवन गुप्ता को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया। आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद बैंक में दो मनोनीत निदेशक की नियुक्ति हुई है। इसमें पूजा हांडा और अमरदीप शामिल हैं। इसके चलते भाजपा समर्थित निदेशकों की संख्या 5 हो गई है, जबकि कांग्रेस समर्थित निदेशकों की संख्या 4 रह गई थी। बैंक में इस समय पवन गुप्ता, धर्मेंद्र ठाकुर व राकेश अग्रवाल के अलावा मनोनीत निदेशक अमरदीप व पूजा हांडा भाजपा समर्थित हैं, जबकि निवर्तमान चेयरमैन अरुण शर्मा, महेंद्र ठाकुर, सरदार सिंह ठाकुर और विजय अत्री कांग्रेस समर्थित निदेशक पद का चुनाव जीते हैं। नवनियुक्त चेयरमैन पवन गुप्ता ने कहा कि बैंक की इस समय प्रदेश भर में 11 शाखाएं चल रही हैं, जिन्हें आने वाले समय में 21 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि बैंक की तरफ से ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी के चलते प्रदेश भर में अन्य शाखाएं खोलने की मांग हुई है। उन्होंने कहा कि बैंक की तरफ से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने निदेशक मंडल सहित बैंक के शेयरधारकों, खाताधारकों और कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया। द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आज निदेशक मंडल द्वारा जो विश्वास जताकर मुझ पर मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मैं पूरे निदेशक मंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दिल के गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कंपटीशन बैंक में बढ़ता जा रहा है, फिर भी हम अपनी तरफ से बघाट बैंक का जो एक सुविधा देने का जो कार्य है और हमारे कर्मचारियों की और अधिकारियों की जो लगन है जिससे वो सुविधा दे रहे हैं बैंक में हमारे ग्राहकों को, उसको लेकर हमें लगता है कि आने वाले समय में जो जिले बचे हैं उनमें भी हम अपनी शाखाएं खोलेंगे। आज हमारी 11 शाखाएं काम कर रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा निदेशक मंडल और कर्मचारी मिलकर आगे आने वाले समय में 11 को हम 21 ब्रांचेस तक पहुंचाएंगे और बहुत जल्दी हमारे ब्रांच जहां जहां पे भी खुलेंगी वहां पे अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने का प्रयास करें।